ये अपना यहाँ पे पार्किंग है गाइज, और अभी इसको लेके निकलेंगे। इसका नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है, देख सकते हो, और इसका भी नंबर प्लेट लगेगा। ये बहुत धूप में रहता है तो इसकी वजह से गर्म हो जाता है, और देख सकते हो अभी ये पूरा नया है और ज़्यादा चला भी नहीं है, और यहाँ मर्चा उर्चा सब गिरा हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कितना किलोमीटर चला है गाड़ी। 249 किलोमीटर, और ये पेट्रोल है, Z8 सिलेक्ट वेरिएंट है ये गाड़ी। और माइलेज तो पूछो ही मत गाइस, 7 का माइलेज दे रहा है ये, तेल भराते भराते पागल। वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग एडीएफ ब्लॉग। और आज जा रहे हैं स्कॉर्पियो N का नंबर प्लेट लगवाने, जो कि शोरूम में ही लगेगा। पहले RTO में लगता था, बट अब शोरूम में ही ये अवेलेबल हो गया है। अभी तो फिलहाल गाड़ी जो नया आता है वो नंबर प्लेट लग के ही आता है, बट मैं थोड़ा सा जल्दी में था तो विदाउट नंबर प्लेट ही लेके आ गया। तो अभी चलते हैं, बहुत धूप है। सो गाइज, ये 2024 का नया अपग्रेड वाला स्कॉर्पियो N है, जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीरियर जो है पियानो फिनिश के साथ ये देखने को मिल जाता है। और कुछ भी है, और एक है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये 2-3 अपग्रेड है 2024 का ये स्कॉर्पियो N में। तो यही था, तो मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पता नहीं एप्पल कार प्ले के साथ मेरा फ़ोन है कनेक्ट हो गया था, उस वजह से मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं क्या बोल रहा मुझे खुद नहीं पता, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करते रहो वीडियो में। तो दो हिंदुस्तानी भाव जा रहे हैं, देखो स्कूटी पे। तो गाइज, हर बार की तरह मैं गाड़ी निकालने से पहले पेट्रोल पंप जाता हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप फ्यूल लेने, क्योंकि अभी ये कितना रेंज दिखा रहा है, 15 या 16 रेंज दिखा रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप। तो भाई, यहाँ पे छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है बाइकर्स के बीच, देख सकते हो। तो गाइज, इसमें एक क्रूज़ कंट्रोल का भी फीचर्स आ जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे हो अगर, तो वहाँ पे आप एक कांस्टेंट स्पीड को सेट कर सकते हो कि उसी पे गाड़ी चलेगी, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आप लोग को क्रूज़ कंट्रोल मतलब सेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी 93 पे 94 पे मैं क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर दे रहा हूँ, और मेरा पैर देख सकते हो एक्सेलेटर पर नहीं है। तो ये एक अच्छा फीचर्स है जो लॉन्ग ड्राइव पे आप लोग को बहुत मदद करेगा, ठीक है। और देख सकते हो 96, 95, 97 इसी के कांस्टेंट स्पीड पे रहेगा, तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है। तो क्रूज़ कंट्रोल का बहुत सारा एडवांटेज है, ठीक है। तो और इसके वजह से आप लोग को माइलेज भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप लोग कांस्टेंट स्पीड पे रहते हो, ठीक है। अगर आप एक्सीलेटर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहोगे, तो उसके वजह से एक लॉन्ग राइड पे माइलेज में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट यहाँ पे अगर आप क्रूज़ कंट्रोल अगर आप सेट कर दोगे तो आपको माइलेज भी अच्छा देखने को मिल जाता है। और लगने के बाद ऐसा दिख रहा है गाइस। ये रहा नंबर WB12BT9695। सो गाइस, नंबर प्लेट लग गया, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहा नंबर। नंबर है WB12BT9695, जो कि उल्टा होना चाहिए था, थोड़ा सा और अच्छा होता है 9596, बट कोई नहीं, 96-95 भी ठीक है। तो ये रहा एशिया इंटरनेशनल स्कूल, इसके ठीक ऑपोजिट में ये शोरूम है महिंद्रा का। तो इसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ,
और मैं बहुत ही ज्ञानी स्टूडेंट था, बट पैसा की वजह से पढ़ नहीं पाया। तो गाइस कुछ खा लेते हैं, विकाराम में आ गए हैं, यहाँ पे कुछ खा के फिर ब्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा भूख लगा है तो चलते हैं। और गाड़ी कुछ ऐसा लगता है, बड़ा सा, एकदम बड़ा गाड़ी, कुछ मिठाई ऐसा है, देख सकते हो। और सोच रहा हूँ कौन सा मैं खाऊं। ये ले रहा हूँ चन मिल्क केक और एक गुलाब जामुन, देख के ही बहुत स्वीट लग रहा है। 86 हो गया, ऐसे मैं कभी खाता नहीं यहाँ पर, तो अभी थोड़ा गाड़ी लेके आया हूँ, ठीक है? तो उसके वजह से खा ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को दिखाना भी है कुछ, तो इसमें खा ले रहा हूँ मैं। और अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो भाई कुछ ऐसा लग रहा है गाड़ी, जो कि गाड़ी बहुत गंदा है, ठीक है? इसको मैं पोछा भी नहीं हूँ और ये शेड के अंदर भी नहीं रहता है, धूप में रहता है, बट फिर भी कितना चमक रहा है, देख सकते हो। तो गाइस अब चलते हैं घर, घर की तरफ। इसको रखने में एक दिक्कत है बहुत, गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।